तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस गाइस गाइस, आज की वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं अटैक को थ्री स्टार निकालने के। सो गाइस, अभी हमारी यहाँ पे वॉर चल रही है न्यू डेज के साथ, अवेंजर्स वर्सेस न्यू डेज। पता नहीं यार इस वॉर का कौन जीतने वाला है, क्योंकि वॉर यहाँ पे काफी टफ चल रही है। और भाई लोग, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग अपने दोनों के दोनों अटैक्स यहाँ पे कर चुके हैं, एंड दोनों के दोनों अटैक्स यहाँ पे थ्री स्टार है। एंड गाइस देख सकते हो, इनमें से कोई भी अटैक यहाँ पे फ्रेश नहीं था। पहले हम लोगों ने नंबर 18 के ऊपर अटैक किया, उसके बाद हम लोगों ने नंबर 25 के ऊपर अटैक किया। एंड अगर आप लोग यहाँ पे नंबर 18 का बेस देखो तो इसके सीसी के अंदर था गाइस यहाँ पे लावा हाउंड। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एयर अटैक से इसको यूज किया। एंड गाइस, आप लोगों को तो यार पता है, जो अपने लावा हाउंड है वो 8 ट्रूप्स को टारगेट नहीं करता है। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एयर अटैक से यूज की। चाहे तो हम लोग ग्राउंड भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल सुसाइड होक्स, या फिर हम लोग मास माइनर्स यहाँ पे यूज कर सकते थे, क्योंकि जो अपने लावा हाउंड है उसका डैमेज ज्यादा नहीं है। डैमेज है लावा पफ का, लेकिन अगर लावा पफ बनेंगे नहीं तो वो डैमेज कैसे करेंगे। सो इसलिए गाइज हम लोगों ने यहाँ पे एयर अटैक से इसको यूज किया। एंड गाइज, एक कारण और है इस अटैक के थ्री स्टार निकलने का। एक तो गाइज अपने को इस बेस के टेस्लास भी यहाँ पे पता थे कि इसके हिडन टेस्लास कहाँ पे है, सीसी के अंदर क्या है। इसी कारण से गाइज ये अटैक यहाँ पे थ्री स्टार निकला है। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेश अटैक करते तो शायद ये अटैक थ्री स्टार ना निकलता, लेकिन अपने को यहाँ पे टेस्ला लोकेशन पता थी, सेकंड अपने को सीसी यहाँ पे पता था। एंड ये दो चीजें हैं ना गाइस, ये बहुत है गाइस अटैक को थ्री स्टार निकालने के लिए। अगर आप लोगों को ये दो चीजें पता है ना, तो आप लोग किसी बेस को थ्री स्टार निकाल सकते हो, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्लानिंग कर रखी है तो। सो गाइस, अभी हम लोग इन्हीं अटैक्स को देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग अटैक्स देखें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो फटाफट से सब्सक्राइब करो, कर लो गाइस यार, 30,000 सब्सक्राइबर अपने को फटाफट से कंप्लीट करवाने हैं। एंड नोटिफिकेशन बेल दबाओ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखा। सो गाइज, अभी के अभी दबाओ यार, अगर नहीं दबा रखा ना अभी तक, अभी के अभी दबाओ। एंड लाइक एम करते हैं गाइज आज की इस वीडियो पे 801 लाइक का। मुझे पता है काफी बड़ा लाइक एम है, कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन भाई साहब मांगने में क्या जाता है। एंड कमेंट करो यार, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलेगा इस दोनों पैर से चला लेते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो हे गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, अगर हम लोग इस वॉर की बात करें तो आप लोग देख सकते हो हमारे 51 अटैक्स में यहाँ पे 81 स्टार्स हैं, एंड उनके 57 में 88 है। सो पता नहीं यार इस वॉर को कौन जीतेगा। सो सबसे पहले हम लोग इस वाले अटैक को देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक बेबी ड्रैगन यूज कर रहा हूँ, एंड उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है फन क्रिएट करने के लिए। एंड जैसे ही यहाँ पे गाइज ये वाला आर्चर टावर डाउन होगा, वैसे हम लोग अपने किंग को भी यहाँ पे डाल देंगे। सो गाइज, अभी हम लोगों ने अपने किंग को यहाँ पे डाल दिया है, जो कि जाएगा इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे फन क्रिएट कर देगा। उसके बाद आएंगे गाइज अपने वॉल ब्रेकर्स, जो कि इन वाली वॉल्स को ब्रेक करेंगे। एंड उसके बाद आएगी अपनी क्वीन। सबसे पहले भाई साहब मैंने यहाँ पे एक टैशिंग वॉल ब्रेकर डाला, एंड वहां पे गाइज एक छोटा सा बॉम्ब निकला, स्मॉल बॉम्ब, ठीक है। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे वॉल ब्रेकर्स यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे इन्फर्नो टावर को फ्रीज किया। एंड फिर आ जाएगी गाइज पीछे से अपनी क्वीन, एंड ये जो गाइज अपनी क्वीन है ना, यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो को निकाल लेगी। एंड भाई साहब, आप लोगों को तो पता है, अगर आप लोग लूंस को यूज कर रहे हो ना, एंड सामने अगर मल्टी टारगेट इन्फर्नो हो, तो भाई साहब बहुत दिक्कत आती है। तो भाई साहब, जैसे ही यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो डाउन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अपने लावा लूंस को डालना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन स्लैमर डाला, फिर लावा डाला, फिर अपने लूंस डाल दिए, एंड उसके बाद हम लोगों ने डाल दिया अपना वार्डन। एंड पीछे से मैं मिनियंस भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार बाद में कोई टाइम का इशू हो। फिर हम लोगों ने अपनी हेड स्पेल को यूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड कुछ लूंस हम लोगों ने इस तरफ से डाले। एंड देख सकते हो बेस यहाँ पे गाइस सिमर चुका है, अपोनेंट की क्वीन यहाँ पे आ चुकी है, वार्डन की एबिलिटी मैंने यहाँ पे यूज कर दी, एंड अपोनेंट की क्वीन के ऊपर हम लोगों ने रेस डाली, फिर उसको फ्रीज कर दिया, एंड ऊपर से डाल दिया हम लोगों ने स्केलेटन स्पेल। सो अपोनेंट की क्वीन यहाँ पे नहीं बचने वाली, एंड देख सकते हो भाई साहब एकदम जक्कास अटैक अपना चल रहा है। एंड फ्रीज स्पेल का यूज गाइस आप लोगों को करना है मल्टी टारगेट इन्फर्नो के ऊपर, या फिर आप लोग यूज कर सकते हो उसको ईगल आर्टिलरी के ऊपर, क्योंकि वही दो चीजें हैं जो अपने लूंस को दिक्कत दे सकती है। तो भाई साहब, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेस के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लूंस यहाँ पे बहुत सारे भी बचे हुए हैं, एंड क्लीनअप यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे बेस के ऊपर एक कैनन बची है। एंड आराम से गाइस ये वाला अटैक यहाँ पे थ्री स्टार निकल गया। तो भाई साहब, ये था अपना पहला अटैक, एंड इस वाले अटैक को हम लोगों ने आराम से थ्री स्टार निकाल लिया था। तो गाइस, अभी हम लोग अपने सेकंड अटैक देखेंगे, जो कि हम लोगों ने किया था नंबर 25 के ऊपर।
एंड सेम यही अटैक शेरी हम लोगों ने नंबर 25 के ऊपर भी यूज किया है, क्योंकि इस बंदे के सीसी में भी यहाँ पे लावा हाउंड था। तो अपने को एयर अटैक से ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किंग एंड क्वीन को डाला, क्योंकि अपने को ये वाला डिफेंस यहाँ पे डाउन करना है। सीसी यहाँ पे दूर है, सीसी अपने को नहीं निकालना है, क्योंकि अगर सीसी से यहाँ पे लावा हाउंड निकला तो अपने को यहाँ पे दिक्कत आ सकती थी। ठीक है गाइस, तो अभी अपने को यहाँ पे एयर डिफेंस निकालना है। अगर यहाँ पे अपने को कोई इन्फर्नो टावर मिलता होता तो मैं इन्फर्नो टावर के लिए जाता, एयर डिफेंस के लिए नहीं जाता। इन्फर्नो टावर गाइस अपनी पहली प्रायोरिटी है एंड एयर डिफेंस अपनी सेकेंड। तो गाइस जैसे ही हम लोगों ने अपनी किंग एंड क्वीन की एबिलिटी की मदद से एयर डिफेंस को यहाँ पे डाउन किया एंड एक अच्छा फनल भी बन चुका है अपने लूंस के लिए। सो उसके बाद मैंने अपना लावा लूंस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने लावा डाला, फिर लूंस डाल दिया, पीछे से आ गया अपना वार्डन एंड बेस को गाइस फिर से अपने को यहाँ पे स्पेंडना है। सामने मल्टी टारगेट इन्फर्नो है, उसको हम लोग फ्रीज करेंगे, हेड स्पेल का यूज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। सो गाइज अभी हम लोग सेम पिछले अटैक की तरह क्वीन को फ्रीज कर देंगे, उसके ऊपर रेज डाल देंगे एंड स्केल्टन स्पेल डाल देंगे। सो वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगी एंड मेंटेनेंस ब्रेक आने वाला है भाई साहब 5 मिनट के अंदर। सो शुक्र है मैंने यहाँ पे अटैक्स को रिकॉर्ड कर लिया, वरना ये वाले अटैक्स के रिप्लेस अपने को नहीं मिलते। सो ये मान लिए काफी अच्छी बात है। ठीक है गाइज, सो अभी यहाँ पे इगलाटी बची हुई थी, वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, 69% निकाल लिया हम लोगों ने एंड मजा आ गया। अभी भी यार बहुत सारे लूज बेस के ऊपर बचे हुए हैं। एंड अगर हम लोग डिफेंसिस की बात करें तो डिफेंसिस में यहाँ पे क्या बचा है, एक आर्ची टावर बचा है, 2 आर्ची टावर है एंड एक टेस्ला यहाँ पे बचा हुआ है। सो आराम से गाइस ये वाला अटैक भी यहाँ पे 3 स्टार निकल गया। सो गाइस इस तरह से हम लोग ने अपने दोनों के दोनों अटैक्स को यहाँ पे 3 स्टार निकाला है एंड आई थिंक अगर हम लोग फ्रेश अटैक के ऊपर जाते तो शायद हम लोग यहाँ पे 3 स्टार नहीं निकाल पाते, क्योंकि फिर अपने को सीसी का नहीं पता तो शायद हम लोग ग्राउंड अटैक के लिए जाते मे भी। सो गाइस अभी हम लोग एक अटैक देखेंगे नंबर 19 के ऊपर, जो कि है गाइस यहाँ पे हिमांक ने एंड सेम वही अटैक चाहिए गाइस, लेकिन बंदा यहाँ पे एक आइस गोलम यूज कर रहा है एंड देखते हैं इस बंदे ने इस अटैक को कैसे 3 स्टार किया था। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किंग एंड क्वीन जो है अपोनेंट की वो साइड में ही है। सो सबसे पहले इसने यहाँ पे क्वीन को डाला एंड फिर आइस गोलम डाल दिया एंड फिर किंग डाल दिया एंड जो अपना किंग है वो यहाँ पे अपोनेंट के दोनों हीरोज को यहाँ पे निकाल लेगा, किंग को भी निकाल लेगा एंड क्वीन को भी निकाल लेगा एंड आइस गोलम का जो फ्रीज है ना उसने यार काफी हेल्प की यहाँ पे। सो गाइज क्वीन ने यहाँ पे एक एयर डिफेंस को निकाल लिया एंड अच्छी बात ये है ये जो बेस है ना गाइज इसके सीसी में भी यहाँ पे लावा हाउंड है एंड जब भी गाइज यार लावा हाउंड मिलता है ना सीसी में अपोनेंट के तो ये वाले अटैक से यूज करो, काफी अच्छी अटैक लगी है। एंड उसके बाद गाइज इसने अपना लावा लून इस तरफ से स्टार्ट कर दिया एंड स्टोन स्लैमर को देखना गाइज ये बंदा कैसे यूज करेगा। इग्लाट्री की पोजीशन देख रहे हो काफी सेंटर में है, बैलून्स वहां पे नहीं जाने वाले क्योंकि बैलून्स बाहर ही घूमने वाले थे। सो इसलिए गाइज उसने यहाँ पे स्टोन स्लैमर डाला जो कि सीधा जाएगा ईगल आर्टिलरी के पास एंड अभी लूंस वो डाल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली। और हाँ गाइज फ्रीज को हमेशा यूज करो यार इन्फर्नो टावर्स के ऊपर या फिर ईगल आर्टिलरी के ऊपर, विजार्ड टावर्स इनके ऊपर यूज मत करना। अगर मल्टी टारगेट इन्फर्नो है तो फ्रीज स्पेल को इन्फर्नो टावर्स के ऊपर यूज करो एंड अभी भी देखो गाइज कितने सारे लूंस बचे हैं, एक हीलिंग स्पेल बची हुई है, लास्ट वाली उसने यहाँ पे हेड स्पेल को भी डाल दिया एंड हीलिंग स्पेल को भी यहाँ पे डाल देगा वो। सो अभी भी गाइज तकरीबन 15 से ज्यादा लूंस यहाँ पे बचे हुए हैं, देख सकते हो गाइज कितना ओपी अटैक गया यार ये वाला। सो गाइज ये वाला अटैक भी यहाँ पे 3 स्टार निकल गया एंड हाँ गाइज अगर आप लोगों को भी यार कभी बेस मिले जिसके सीसी के अंदर लावा हाउंड है तो यार ये वाला अटैक शायद जरूर यूज करना, 100% गाइज 3 स्टार निकलेगा अगर आप लोग यार अच्छे से यूज करोगे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर 1% भी अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब करो यार, 30,000 सब्सक्राइबर अपने को कंप्लीट करवाने हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाओ अगर अभी तक नहीं दबाया तो दबा लो यार एंड कमेंट करो यार, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो बाइक का चैनल चलेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतने, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।